फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहार हो या मेहमान आने वाले हो, मीठा तो बनता ही बनता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबकी पसंदीदा और सबसे फेमस मिठाई, जिसे बनाना सबसे ज्यादा आसान है, लच्छेदार रबड़ी। आज मैं आपको रबड़ी बिल्कुल हलवाई स्टाइल तरीके से बताऊंगी, वो खास सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आप एकदम आसानी से सिंपल दूध से, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फटाफट से आप अपनी लच्छेदार रबड़ी तैयार कर पाएंगे कम समय में। पूरा वीडियो वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपको आज बहुत पसंद आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम चढ़ाएंगे एक पैन, और इसमें हम डालेंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क, यानी गाढ़ा दूध। गाढ़ा दूध रहेगा तो आपका सारा समय भी बच जाएगा और जो रबड़ी है कम समय में एकदम गाढ़ी और लच्छेदार बनेगी। अब यहाँ दूध में हम हाई फ्लेम पर एक उबाल आने देंगे। पहले दूध को एक बार बढ़िया से उबलने देंगे, उसके बाद हमें दूध को लगभग आधा होने तक पकाना होगा लो फ्लेम पर। चलिए, रबड़ी के लिए दूध तो उबल ही रहा है। अब इसी तरह जैसे आज मैं रबड़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, रोज मैं आपके साथ नए नए रेसिपी वीडियो शेयर करती हूँ। उसमें हो जाते हैं ढेर सारे बर्तन और फिर उनको मैनेज करना, साफ करना अपने आप में ही बहुत कठिन हो जाता है। घंटों लग जाते हैं घिसने में, फिर भी स्टेन्स नहीं जाते। मैं लास्ट वीक घर की ग्रोसरी लेने सुपरमार्केट गई, वहां मुझे मिला जिफी टर्बो डिशवॉश लिक्विड। और जिफी टर्बो डिशवॉश लिक्विड को जब मैंने ट्राई किया, द रिजल्ट वाज अमेजिंग। मतलब मेरा काम ही आसान हो गया। तो अब ना ज्यादा बर्तन घिसने पड़ते हैं, ना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें है 50% मोर इफेक्टिव टफ ग्रीस रिमूवल एज कम्पेयर टू एनी पॉपुलर डिशवॉश लिक्विड इन मार्केट। दूध उबल जाने के बाद इसमें से हम निकालेंगे 1 चम्मच दूध इस तरह से एक अलग कटोरी में। इसका यूज मैं भी आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। इसी तरह से थोड़ा सा दूध मैं और ले रही हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं थोड़े से केसर के धागे, बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो डालिएगा, वरना हम वैसे भी आगे इलायची डालने वाले, अगर नहीं है तो भी आप बढ़िया रबड़ी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि दूध बहुत ही बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो रहा है और अपनी क्वांटिटी से थोड़ा सा कम भी हो गया है। और देखिए साइड में बहुत सारी मलाई आप देख सकते हैं लग गई है, तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा स्क्रेप करके छुटाते हुए इसी में मिक्स करते जाएंगे, और कुछ मलाई हम साइड साइड भी करते जाएंगे। रबड़ी को एकदम मलाईदार, लच्छेदार और दानेदार बनाने के लिए देखिए यहाँ मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच दही। सिर्फ 1 छोटी चम्मच दही लेना है, और जो दूध हमने निकाला था ना 1 चमचा, इसमें इस दही को मिलाएंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। और देखिए लो फ्लेम पर थोड़ा थोड़ा करके ये दही वाला जो मिक्स हमने तैयार किया है दूध में डालेंगे और चलाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो रबड़ी है उसमें बढ़िया गाढ़ापन आएगा, दरदरापन आएगा, जैसे बाजार में होती है ना एकदम गाढ़ी दानेदार लच्छेदार हमारी रबड़ी तैयार होगी। बस इस सीक्रेट टिप से आप कमाल देखिएगा कितनी बढ़िया और कितनी जल्दी हमारी हलवाई स्टाइल मार्केट जैसी रबड़ी तैयार हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी में चेंज, कितना गाढ़ा हमारा एकदम दरदरा सा लच्छेदार दूध होता जा रहा है, जबकि कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं डाला है, सिर्फ वो सीक्रेट टिप ही हमने अपनाई है। हाँ, मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे बर्तन का क्या हाल होगा, तो वो ट्रिक भी आगे मैं आपको बताऊंगी कि फटाफट से आप अपने बर्तन को कैसे चमका सकते हैं। और दूध लगभग अपनी क्वांटिटी से आधे से भी थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ हमारा तैयार केसर वाला दूध। बिल्कुल ऑप्शनल है जैसे मैंने बताया, इससे ना कलर और फ्लेवर रबड़ी में बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। देखिए रबड़ी ना एकदम बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन कुछ सीक्रेट टिप्स जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा दही डालिए, थोड़ा सा ही हमने दही डाला, और देखिए दूध का आप टेक्सचर देख सकते हैं एकदम हलवाई वाली रबड़ी जैसा आ गया। अगर सिंपल बस दूध को उबाल उबाल कर हम बनाते तो वो मावे जैसा बन जाता, वो रबड़ी का फिर उसमें फ्लेवर नहीं आता। और बस इस स्टेज पर जैसे कि आप देख सकते हैं दूध आधे से कम हो गया है, इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं इसमें डाल रही हूँ बड़ी चम्मच से 4 बड़े चम्मच, मान के चलिए लगभग 1/4 कप। तो बस इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, और अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये देखिए हलवाई स्टाइल एकदम लच्छेदार रबड़ी है बिल्कुल तैयार। इससे ज्यादा गाढ़ा इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडी होने पर यह भी और गाढ़ी हो जाएगी। और बस इस स्टेज पर जब रबड़ी हमारी हल्की सी ठंडी हो जाएगी, आप लीजिए इस तरह का एक स्क्रेपर या कोई भी इस तरह स्पून ले लीजिए, और ये सारी जो आप खुरचन देख रहे हैं, ये जो मलाई हमने लगाई थी ना, इसको बस इस तरह से आप रोटेट करते जाइए पैन को, और पूरी आप रबड़ी में इसे मिक्स कर दीजिए। ये है वो लच्छेदार खुरचन वाली असली रबड़ी की पहचान।
रबड़ी तो हो गई तैयार और रबड़ी बनाने के बाद पैन कुछ इस तरह का हो जाता है। ऐसे बर्तनों को साफ करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम होता है, लेकिन चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो सीक्रेट तरीका कि आप इसे कैसे साफ करें। तो यहाँ पर मेरे पास है जिफी और बाजार में मिलने वाली पॉपुलर ब्रांड का जेल। तो यहाँ पर मैं इसको आधा आधा डिवाइड कर रही हूँ टेप से, जिससे हम ये देख पाए जिफी से हमारा पेन कैसे साफ हुआ और बाजार में मिलने वाले दूसरे जेल से कैसे साफ हुआ। तो आप खुद डिफरेंस समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको अपने पुराने वाले डिश जेल से साफ करके दिखाती हूँ कि पेन कैसा साफ होता है। अभी आप देख सकते हैं कि 5 बार रगड़ने के बाद भी पेन में काफी ज्यादा स्टेन है, पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। अब दूसरे पार्ट को साफ करते हैं जिफी डिश वॉश लिक्विड से। और ये देखिए, आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। जिफी से सिर्फ 5 बार रगड़ने पर एकदम बढ़िया से हमारा पैन साफ हो गया है, ना ग्रीजी है ना ही स्टेन्स है। और जो रेगुलर जेल में पहले यूज करती थी उससे देखिए अभी भी बहुत सारे स्टेन्स रह गए हैं। हमारी रबड़ी भी बन गई उस सीक्रेट टिप से इतनी बढ़िया मिनटों में, और हमारे बर्तन भी चमक गए जिफी से। तो आप भी इस रबड़ी की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, मुझे जरूर बताएं कैसी बनी आपकी रबड़ी। और हाँ, बर्तन गंदे हो जाए तो जिफी से धोना ना भूलें। जिफी टर्बो डिशवॉश लिक्विड को ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बाकी ये सारे ही सुपरमार्केट में अवेलेबल है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज दिल खोलकर वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।